हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीएनएल शेयर के ऊपर। इस स्टॉक का रिजल्ट आ चुका है, तो इन डिटेल में हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग टेक्निकली लेवल्स को भी देखेंगे, कहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, किस लेवल पे इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इसके साथ ही हम लोग डिस्कशन करेंगे आईडब्ल्यूसी शेयर के ऊपर भी। बिल्कुल टेक्निकल डिस्कशन होने वाला है, तो आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही साथ लेवल्स भी आपको मिलेंगे, जिस लेवल पे कि आप एक अच्छा एंट्री ले सकते हैं या फिर आप बेटर वे में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके, नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग आरबीएनएल शेयर के ऊपर। आरबीएनएल के शेयर में आज हम लोगों को मामूली तेजी देखने को मिला। तकरीबन जो है 0.1% के तेजी के साथ जो है स्टॉक आपको 69.85 रुपीज पे लास्टली ट्रेड किया है। अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट वन मंथ के परफॉर्मेंस की, तो लास्ट वन मंथ से स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रहा है, और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने मंथ के लोअर एंड पे ही ट्रेड कर रहा है 9% की गिरावट के साथ। लास्ट सिक्स मंथ में स्टॉक ने 125% का रिटर्न दिया है, एक मैसिव रिटर्न बना के यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्टॉक के रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहली बात, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक का रिजल्ट आ चुका है, और चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, दिसंबर क्वार्टर में जो नेट सेल्स हुआ है वो 5012 करोड़ का हुआ है, जहाँ पे कि आपको दिसंबर 2021 में नेट सेल 5049 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.74% का गिरावट हम लोगों को सेल्स में देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की अगर बात करेंगे, 4736 करोड़ का एक्सपेंस आपको इस क्वार्टर में देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 4730 करोड़ का एक्सपेंस जो है दिसंबर 2021 में भी देखने को मिला था। अगर हम लोग यहाँ पे दिसंबर 2021 में बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 319 करोड़ का था, जो कि आपको इस क्वार्टर में 276 करोड़ का आपको हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जरूर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ऑलमोस्ट आपको सेम कांस्टेंट ही यहां पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अदर इनकम में जो है इंटरेस्ट के थ्रू 147 करोड़ का कंपनी को आपको इनकम हुआ है, और टोटल इनकम की अगर बात करेंगे अदर इनकम की, तो 325 करोड़ का स्टॉक को अदर इनकम हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट की बात करेंगे, तो नेट प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में 382 करोड़ का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि दिसंबर 2021 में 293 करोड़ का था। तो क्लियरली यहाँ पे हम लोगों को ओवरऑल नेट प्रॉफिट में जंप जरूर देखने को मिल रहा है, और उसका बेसिक रीजन अगर यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपको अदर इनकम में तकरीबन 100 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है स्टॉक इस क्वार्टर में भी आपको अच्छा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे स्टॉक आप कंपनी आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, तो प्रोमोटर के पास 78.20% का शेयर होल्डिंग है, जो कि प्रोमोटर के पास आपको कॉन्स्टेंट है जून 2021 के क्वार्टर से। एफआई ने यहाँ पे जरूर अपने पोजीशन को बढ़ाया है, 2.45% का यहाँ पे आपको दिख रहा है जो एफआई के पास होल्डिंग 2.45% का है। डीआईए का होल्डिंग 6.45% का है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 6.38% जो है और ऑलरेडी एलआईसी के पास ही है, तो मेजर होल्डिंग डीआईए के पास भी नहीं है। एफआईए के पास भी अगर बात करेंगे, तो 1% से ज़्यादा का होल्डिंग यहाँ पे कहीं पे भी एफआईए के पास भी नहीं दिख रहा है। पब्लिक के पास अगर बात करेंगे, तो पब्लिक का होल्डिंग जो है यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मार्च 2020 में बात करेंगे, 9% का पब्लिक का होल्डिंग था, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 4% से इंक्रीज हो चुका है दिसंबर 2022 में। तो चलिए अब आगे बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, रिजल्ट जो है आपको मोर और लेस चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चार्ट के ऊपर, तो कंटिन्यूसली स्टॉक में एक बहुत ही मैसिव रैली देखने को मिला। स्टॉक ने आपको
अक्टूबर के मंथ के बाद एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला और स्टॉक ने 100% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। तो अभी अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट के बाद कभी भी अगर बात करेंगे तो कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ पे उसको समय चाहिए एडजस्ट करने के लिए। वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर वापस से रिजल्ट आता है या सेम आपको पेस बना रहता है तभी आपको कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। तो अभी अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ऑलरेडी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस अप्रिसिएशन हो चुका है, तो स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता है और उसके बाद अगर वापस से स्टॉक ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तभी हम लोगों को इस स्टॉक में एक और ऊपर की साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो करेंटली अगर बात करेंगे तो जब तक स्टॉक जो है 82 के लेवल के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं देता है इस स्टॉक में आपको यहाँ पे ज़्यादा बड़ा अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। डाउन साइड में अगर बात करेंगे तो डाउन साइड में जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 60 का है, तो स्टॉक करेंटली 60-80 इस 20 पॉइंट के रेंज में स्टॉक जो है कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। और डेली चार्ट पे भी अगर हम लोग बात करेंगे तो डेली चार्ट पे भी स्टॉक इसी रेंज में हम लोगों को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आपको कोई भी पोजीशन बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको वेट करना होगा, 82 के लेवल को क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद ही जो है आप यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। या फिर स्टॉक अगर 60 के लेवल पे हिट करता है और यहाँ पे आपको कोई भी पॉजिटिव साइन दिखता है तो आप इस लेवल पे भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका लॉस काफ़ी कम होने वाला है। इमीडिएटली जैसे ही आपको ये लेवल ब्रेक होगा यहाँ पे डेली चार्ट पे, जैसे ही आपको 57 के नीचे क्लोजिंग दे देता है आप यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं। तो 2 or 3 पॉइंट का आपका यहाँ पे लॉस होगा और ऊपर की साइड आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकेंड स्टॉक है IRFC, अगेन सेम सेक्टर से ये भी स्टॉक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस स्टॉक ने भी आपको बहुत ही मैसिव रिटर्न बना के दिया है लास्ट 6 मंथ में, और उसके बाद से अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हम लोगों को एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। IRFC की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊपर की साइड में जब तक स्टॉक 37 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है इस स्टॉक में हम लोगों को फर्दर अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। डाउन साइड में स्टॉक जो है आपको सपोर्ट ले रहा है 27.5 के लेवल पे। मंथली चार्ट में भी अगर बात करेंगे तो मंथली चार्ट में भी एक अच्छा नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को दिख रहा है 25-27, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने एक मूवमेंट अपसाइड में किया था तो वापस से इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। डेली चार्ट पे अगर बात करेंगे तो डेली चार्ट पे भी हम लोगों को सेम लेवल यहाँ पे एविडेंट हो रहा है, तो बेटर है इस स्टॉक में भी आपको वेट करना चाहिए। अगर 25-27 के रेंज में आपको यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली जो है पोजिशन ऐड कर सकते हैं, या फिर 37 के लेवल के ऊपर भी आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स से है बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।